हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अलसबाज फूड मैजिक। ये वीडियो है 20th अक्टूबर की, हमारी वेडिंग एनिवर्सरी थी तो यहाँ पर मैंने कुछ दो तीन डिशेस बनाए थे। मैंने सोचा आप लोगों के साथ भी वीडियो शेयर कर लेती हूँ। अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। यहाँ पर मैं तैयारी कर रही थी बिरयानी और फालूदा बनाने की। तो फालूदे के लिए यहाँ पर मैंने सबसे पहले मिल्क को बॉईल कर लिया है। उसमें मैंने फालूदे का जो रेडीमेड पैकेट आता है उसे मिक्स कर दिया था। इसे मैं अच्छे से स्टेयर कर रही हूँ। जैसे ही इसमें बॉईल आता है हम इसे निकाल कर ठंडा करने रख देंगे। यहाँ पर मैं बिरयानी के लिए प्रिपरेशन कर रही हूँ। एक तरफ मैं यहाँ पर बिरिस्ता बना रही हूँ। यहाँ पर मैंने ऑयल गरम करने रख दिया है पैन में। इसमें मैं गरम मसाले ऐड करूँगी। ये खड़े गरम मसाले हैं सारे। जैसे ही गरम मसाले सौटे हो जाते हैं इसमें मैं अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर रही हूँ। यहाँ पर अदरक लहसुन को 2 मिनट तक मैंने इसे स्टेयर कर लिया है। इसके बाद मैंने यहाँ पे टमेटोज ऐड किए हैं। टमेटो यहाँ पे मैंने 4 से 5 मीडियम साइज़ के टमेटो को चॉप कर लिया है स्लाइसेस में। इसे मैं ऐड करके कवर करके कुक कर रही हूँ ताकि टमेटो जो है वो अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। तब तक के यहाँ पे मैं चिकन लेग पीस जो है इसे मैरिनेट कर रही हूँ। ये इसमें मैंने इस तरीके से कट कर दिया था। इसमें हम विनेगर ऐड करेंगे। विनेगर यहाँ पे मैं 1 टेबल स्पून ऐड कर रही हूँ। सोया सॉस ऐड कर रही हूँ यहाँ पे मैं 1 टेबल स्पून। सॉल्ट ऐड करेंगे हम इसमें। सॉल्ट भी मैंने यहाँ पे टेस्ट के हिसाब से ऐड किया था। लगभग 1 टेबल स्पून ही मैंने इसमें सॉल्ट ऐड किया है। रेड चिली पाउडर ऐड में कर रही हूँ इसमें 1 टेबल स्पून। ब्लैक पेपर पाउडर ऐड कर रहे हैं 1/2 टीस्पून। इसके बाद हम इसमें 1/2 कप कर्ड ऐड करेंगे। कर्ड ऐड करने के बाद हमें इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। इसे मैरिनेट कर लेंगे हम। जैसे ही सब कुछ अच्छे से मिक्स हो जाएगा इसे हमें कम से कम 20 मिनट्स के लिए रखना है मैरिनेशन के लिए। इसे मैंने यहाँ पे 20 मिनट्स के लिए छोड़ दिया है मैरिनेट करने के लिए। यहाँ पे टमेटो जो है वो सॉफ्ट हो चुके थे। इसमें मैं मैरिनेटेड चिकन ऐड कर रही हूँ। ये चिकन मैंने मैरिनेट किया है बिरयानी के लिए। इसके पहले भी मैंने रेसिपी शेयर की है बिरयानी की, आप उसमें चेक कर सकते हो। इसमें मैंने जो भी मैरिनेशन के लिए ऐड किया था इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेना है। अच्छा, तो ये चिकन में मैंने जो ऐड किया था मैरिनेशन के लिए वो था कर्ड, सॉल्ट, रेड चिली पाउडर, गरम मसाला पाउडर, सॉल्ट, हल्दी, ये सब मैंने इसमें ऐड करके 15 मिनट के लिए इसे रख दिया था मैरिनेशन के लिए। जैसे ही 15 मिनट्स हो गए मैंने इसमें से ऐड कर लिया है चिकन को। इसके बाद हम इसमें लेमन जूस ऐड करेंगे। 1 लेमन जूस मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। इसके बाद जो हमने बिरिस्ता यहाँ पे बनाकर रेडी किया था वो हम बिरिस्ता इसमें ऐड कर लेंगे। ये कम से कम 5 से 6 अनियन का बिरिस्ता मैंने बनाया है, इसे मैं इसमें ऐड कर लूँगी। इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है हमें। इसे कवर करके हम कुक करेंगे लो फ्लेम पर कम से कम 10 से 15 मिनट के लिए ताकि चिकन जो है वो अच्छे से सॉफ्ट हो जाए, अच्छे से कुक हो जाए। ये देखिए 15 मिनट्स के बाद मैंने इसे ओपन कर लिया है। मसाला अच्छे से रेडी हो चुका है। ऑयल आप देख सकते हैं सेपरेट हो चुका है। बहुत ही अच्छे से बिरयानी मसाला रेडी हो चुका है यहाँ पर। अब यहाँ पर हम राइस जो है बिरयानी के वो बॉयल कर लेंगे। इसमें मैं 1 लीटर वाटर ऐड किया है मैंने। उसमें हम खड़े गरम मसाले ऐड करेंगे, सॉल्ट ऐड करेंगे। सॉल्ट मैं यहाँ पे राइस में हमें जितना सॉल्ट लगता है उससे थोड़ा ज़्यादा ही ऐड कर रही हूँ। कोरिएंडर और मिंट लीव्स ऐड कर लेंगे इसमें हम। और राइस को मैंने 1 आवर तक सोक करके रखा था, बिरयानी राइस को। उसके बाद हम इसे वॉश करके ऐड कर लेंगे पानी में। 70% तक हम इसे राइस को कुक कर लेंगे। जैसे ही 70% कुक हो जाते हैं हम इसका पानी ड्रेन कर लेंगे। देखिए यहाँ से मैंने सारे चावल में से पानी निकाल लिया था, अच्छे से तरीके से इसे रिंस कर लिया था पानी को। अब इसमें मैंने ऐड कर लिया है मसालों में। इसे अच्छे से स्प्रेड कर लेना है हमें राइस को मसालों के ऊपर। इसके बाद हम इसमें फूड कलर ऐड करेंगे। यहाँ पे मैं येलो कलर का फूड कलर ऐड कर रही हूँ। इसके बाद बिरिस्ता, मिंट और कोरिएंडर लीव्स ऐड कर लेंगे हम। इसे कवर करके हमें दम पे रख देना है। दम पे हम एकदम लो फ्लेम पर करके रख देंगे इसे। इसे कम से कम 15 मिनट के लिए या 20 मिनट के लिए हमें दम पे रख देना है ताकि अच्छे से राइस जो है वो 100% कुक हो जाए। यहाँ पे मैंने 15 से 20 मिनट्स के बाद इसे ओपन किया।
राइस अच्छे से कुक हो चुके थे, बिरयानी बहुत ही अच्छे से बनकर तैयार हो चुकी थी। ये देखिए राइस भी कितने खुले खुले बने हैं और मसाला जो है वो अच्छे से यहाँ पे कुक हो चुका है इसका। यहाँ पर बिरयानी रेडी हो चुकी है। अब इसके बाद हम करते हैं चिकन फ्राई, जो हमने लेग पीस मैरिनेट करके रखा था स्टार्टर के लिए, इसे हम फ्राई करेंगे। तो इसमें अच्छे से मसालों को मैंने लगा लिया था। अब इसके बाद हम इसे मैदे में कोट कर लेंगे। ये KFC स्टाइल चिकन बना रही हूँ मैं, तो इसे मैदे में ही हमें अच्छे से कोट कर लेना है। इसके बाद हम इसे डीप फ्राई करेंगे ऑयल में। दोनों साइड से हमें अच्छे से फ्राई कर लेना है ताकि चिकन जो है वो अच्छे अंदर तक अच्छे से कुक हो जाए। यहाँ पर जो फालूदा मैंने फ्रिज में रख दिया था वो अच्छे से ठंडा हो चुका है, इसे हम सर्व कर लेंगे। इसके बाद मैं इसमें आइसक्रीम ऐड कर रही हूँ। ये मैंने सीताफल का फालूदा बनाया था बट मुझे वो फ्लेवर की आइसक्रीम नहीं मिली, तो इसमें स्ट्रॉबेरी फ्लेवर की आइसक्रीम ऐड कर रही हूँ। आपको अगर सीताफल की आइसक्रीम मिलती है या जो भी आपकी फेवरेट आइसक्रीम हो आप इस पर ऐड कर सकते हैं। ये देखिए चिकन भी अच्छे से फ्राई हो चुकी है। यहाँ पर मैं डेकोरेट कर रही थी। एक्चुअली मैंने सोचा था कि मैं कैंडल लाइट डिनर जैसे डेकोरेट करूँ थोड़ा अपने हस्बैंड को सरप्राइज़ देने के लिए, तो मैंने आपके साथ भी शेयर किया। यहाँ पे मैं सारे सब कुछ डिशेस रख कर डेकोरेट कर रही थी कैंडल लाइट डिनर के लिए। ये मैंने बाहर से केक मंगा लिया था अपनी एनिवर्सरी के लिए, और ये मेरे हस्बैंड ने भी केक भेजा था, उन्होंने ऑर्डर करके केक भेज दिया था उनके आने के पहले ही। ये देखिए बिरयानी अच्छे से बन चुकी है, इसे मैं सर्व कर रही हूँ यहाँ पर। ये मैंने यहाँ पर कोरमा भी बनाया था बट उसकी वीडियो मैंने नहीं ली क्योंकि वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबी हो जाती। इसकी रेसिपी मैंने ऑलरेडी आपके साथ शेयर की है कोरमे की भी। ये देखिए पूरा अच्छे से मैंने इसे कैंडल लाइट डिनर की तरह इसे डेकोरेट कर लिया है सब कुछ। मेरे हस्बैंड को ये बहुत ही पसंद आया, आई होप आप लोगों को भी ये अच्छा लगा होगा देखकर। आप लोगों को अगर ये सब रेसिपीज़ और सब कुछ अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। Thank you for watching. Allah Hafiz.